सबसे पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे सबसे बेसिक है वो हम करेंगे क्रंचेस। ओके तो क्रंचेस हम जैसे हम आज क्या हमारे बेली फैट पे हमें काम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे जो एब्डोमिनल मसल्स होते हैं जैसे शाहरुख खान के 8-pack ऐप दिखाते हैं ना जी, बिल्कुल, तो वो जो मसल है हमें उनको ट्रेन करना है। ठीक है, क्योंकि वो मसल जब ट्रेन होंगे और आप एक कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करोगे तो आपका मिड सेक्शन और टोन लगेगा। ओके ठीक है, तो जब हम क्रंचेस करते हैं जनरली क्या होता है अपर 6 जो होते हैं ना ऐप उन पे ज्यादा काम करती है या लोअर 2 पे थोड़ा कम काम करती ठीक है। ठीक है, तो आपने क्या करना है अपनी फिंगर्स को ऐसे अपने कान के पीछे रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा आप अपनी नेक को ना हल्का सपोर्ट दोगे। ओके, तो ये एकदम बेसिक क्रंचेस हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज क्या है आपकी जो चिन है और आपकी ये बॉडी है उसमें एटलीस्ट 4 finger का गैप हो। ओके ये ठीक है, अब आपने क्या करना है अपने बेली बटन को टक करना है। तो एक विजुअलाइजेशन है कि आप अपने बेली को स्पाइन के पास लेके आ रहे हो। ओके, अब बहुत धीरे से आप अपर बॉडी अपनी ऊपर लेके आओगे 30 degree तक और फिर नीचे। बहुत बढ़िया, तो ऊपर आते आपको मुंह से सांस छोड़ना है और नीचे आते हुए नाक से सांस लेना है। अब आपको पता लग रहा हो कि आपके एब्डोमिनल मसल यूज होने शुरू हो गए हैं। एग्जैक्टली, तो जनरली हम स्टार्ट जब कराते हैं ये अराउंड 15 रेपिटेशंस करेंगे। 15 ओके, आप जैसे ऊपर आ रहे हो ना आपकी जो चिन है याद रखना ये 4 finger गैप पर है एकदम। ओके, अदरवाइज क्या होगा आपके नेक पे स्ट्रेस आ सकता है। ओके, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातों का एकदम। और ये एक्सरसाइज हम कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हो। ये बहुत अच्छा बताया आपने। चलो, ये हमारे हो गए 15 रेपिटेशंस। ओके ठीक है, तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज थी। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे फ्लटर किक्स। हमने जैसे मैंने बताया क्रंचेस में क्या होता है आपके अपर 6 पे ज्यादा फोकस आता है। बिल्कुल बिल्कुल, तब लोअर 2 का क्या उनको पे तो काम करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो फीमेल्स के फैट होते हैं ना वो लोअर एब्डोमेन में ही आते हैं। एग्जैक्टली, तब उनको ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं फ्लटर किक्स। ओके, तो आपने क्या करना है आपने अपनी दोनों लेग्स हवा में उठानी है और जो आपके हाथ हैं हिप के नीचे ले जाने हैं थोड़े सपोर्ट के लिए। ओके, इसमें यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो लोअर बैक है ना एकदम फ्लैट है मैट पे। ओके, लोग कहते हैं कि इससे लोअर बैक पे आता है वो तब आता है अगर आपकी टेक्निक सही ना हो। टेक्निक सही होनी बहुत जरूरी है। अगर आपकी लोअर बैक एकदम टच कर रही है मैट को फिर आप एकदम ठीक हो। ठीक है, अब टोज थोड़े पॉइंटेड कर लेंगे ऐसे। हाँ, अब आपने क्या करना है अपनी लेग्स को ऐसे मूव करना है ऑल्टरनेट यूं। हाँ, थोड़ा सा रेंज और बढ़ाएंगे और थोड़ा स्लो और इसमें आप कंटिन्यूअसली ब्रीथ करते रहोगे इनहेल एंड एक्सहेल। मतलब सांसों का बहुत ध्यान रखना है। सांस का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या होता है इन एक्सरसाइज में लोग सांस रोकने लग जाते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ओके, पसीने आने लगते हैं, इसलिए पसीने आने लगते हैं और वो फिर गुस्से में भी आ जाते हैं और फिर उनको लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा है कि इससे तो मेरे को नुकसान हो गया। हाँ राइट, तो बहुत बढ़िया। अब आपको फील हो रहा होगा आपके जो लोअर 2 एब्डोमिनल्स हैं उन पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है। राइट, तो ये हम 20 ईच लेग करेंगे। ओके बहुत बढ़िया, और अब 20 हो गए तो रिलैक्स। कैसा लग रहा है आप पे? मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ काम कर रहा है अंदर। इसके एंड तक आपके एप्स भी बना देंगे। वाओ, तो पहली एक्सरसाइज हम करेंगे ट्राइसेप डिप। ठीक है, उसमें क्या करेंगे आप बेंच पे सबसे पहले बैठ जाएंगे। तो ये जो एक्सरसाइज है इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको बेंच ही चाहिए। okay. आप घर पे अपने चेयर पे ऑफिस पे चेयर पे डेस्क पे बेड पे कहीं भी कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है। तो बस आपके जो हाथ है वो हिप के साइड पे। ठीक है, उसके बाद लेग्स आप थोड़ी आगे लेके जाएंगे। यहाँ से हिप को आगे मूव करते हो आपने क्या करना है हिप को नीचे लेके जाना है जहाँ आपके एल्बो राइट एंगल बनाए बस यहाँ फिर यहाँ से फिर ऊपर। अब ये एक्सरसाइज अगर हमें ईजी करनी है हम पैर लेंगे क्लोज। ओके, फिर डाउन एंड अप। और अगर हमें ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट करनी है तो हम पैर ले जाएंगे आगे। ओके, तो नीचे एंड अप, ब्रीद इन ऑन द वे डाउन एंड ब्रीद आउट ऑन द वे अप। वेरी गुड, तो हिप जो है ना आप बेंच के एकदम क्लोज लेके आएंगे और पीछे लेके जाइए हिप और पीछे इतना। हाँ, याद रखना जो हिप है आपका वो बेंच के एकदम पास रहेगा। ठीक है, उससे आपके ट्राइसेप से प्रॉपर वर्क होगा। यस गुड, अभी भी हिप एकदम पीछे, हिप हमेशा बेंच के पास रहे आपको ये याद रखना है। ओके, तब आप आर्म ज्यादा यूज करोगे अदरवाइज आपके शोल्डर पे ज्यादा आएगा। ओके ओके ठीक है, वेरी गुड। ब्रीद इन ऑन द वे डाउन एंड ब्रीद आउट ऑन द वे अप। तो ब्रीद इन, वेरी गुड, ब्रीद आउट, बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप। आपको अपने ट्राइसेप पे फील भी होना शुरू हो गया। हां एक्चुअली, तो इसके 5 रेप और करेंगे और हिप की पोजीशन याद रखिए बेंच के एकदम पास। वेरी गुड, 4 ब्रीद इन ब्रीद आउट, 3 2 एंड 1। सो कैसा लग रहा है आपके आर्म्स में? काफी अच्छा लग रहा है मुझे। एक्चुअली मुझे काफी हीट फील हो रहा है, मतलब
हाँ, क्योंकि वो आपका जो मसल है ना वो यूज करते हैं उसमें ना लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन होने लग जाती है, तो उससे तभी हमें लगता है कि वो बहुत पंप हो गया है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा आ जाती है. एग्जैक्टली, तभी तो काम करेगा, तभी तो वो मसल्स काम करेंगे.